गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद कैमरे के सामने फिर से एक बार आपका ही देश। एंड आज कहीं तो मैं जा रहा हूँ, फिर से मानसून सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो सुबह के 5:30 बजे जल्दी से जल्दी रेडी हो रहा है, तो मैं होता हूँ रेडी और आता हूँ फिर से आपके पास एक बार। तो यू गया और यू आया। तो रेडी तो हो गया मैं, बट हो गया ऐसा कि मैं हो गया थोड़ा सा लेट 15-20 मिनट, और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, एक दोस्त को पिकअप करना है और वहाँ से जाना है एक प्लेस पे जहाँ हम लोग मिलने वाले हैं, तो वहाँ जाके मैं आपको मिलता हूँ। जो था हमारा चौक, तो वहाँ आ गया हूँ। इट मीन 6:45 एंड थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, आधा घंटा लेट हो गए। तो मेरे जो साथी है जो कर्जत से ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ तो अभी तक एक्सपोज नहीं किया, आई गेस आपको हेडलाइन से पता चला होगा। तो भूषण है, दिव्या है, बालू सेठ, रजय, राकेश, अक्षय एंड द न्यू वन हेमंत, हार्दिक। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे लोनावला, तो वहाँ पे हमारे 10-15 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो यार निकलते हैं फटक से। तो हम लोग यहाँ रुके हैं क्योंकि देखो यार क्यों रुके हैं, मतलब आपको पता ही चल जाएगा। और एक बात, आप कहीं भी जाओ खंडाला और लोनावला में जो मानसून में वेदर रहता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं ये मानसून के टाइम पे वेदर एंजॉय करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये खोपोली है, नीचे कुछ भी नहीं दिख रही होगी, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा, पर अभी का जो मानसून वेदर ऑसम। हमारा जो बेस पॉइंट था जहाँ बाइक पार्क करनी थी, तो वहाँ हम लोग आ गए। और ये और एक बात मुझे यहाँ आने के बाद पता चली कि ये जो रूट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तुंगरली गांव से होते हुए जो अपर डेक रिसोर्ट है उसी के बाजू में ये एरिया है, तो वहाँ हम लोगों ने ये गाड़ियाँ हमारी पार्क की है। तो बहुत मुझे लगा था कि 5-10 बंदे रहेंगे, बट बहुत ही बड़ा ग्रुप है हमारा जो आज जा रहा है कातलधारा वाटरफॉल पे। और मुझे पर्सनली सबके नाम पता नहीं है, बट अभी हम लोग करेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन। सब लोग अपना हाथ ऊपर करके नाम बता दो। हेलो, आई एम स्टेहन अनगोलकर। हाय, दिस इज प्रणाली फ्रॉम पुणे। हाय, दिस इज प्रिया। स्वप्निल शेके, रमाकांत, शुभम, अनवी, राकेश, बालू, अक्षय, हार्दिक, भूषण, वैभव, सुशांत। तो कम से कम लगभग हमारे साथ 15-20 जो लोग तो है ही, तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो एक बार जोर से गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। तो चलो मिलते हैं आगे के सुहाने सफर पे। तो आई गेस 4-5 महीने के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ। कैमरे के सामने यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे अनेक रीजंस है, तो वो मैं बताऊँगा कभी तो नेक्स्ट वीडियो में और यही वीडियो में। फिलहाल तो आप मज़ा लो। लगभग 1.5 घंटे से चलने के बाद बारिश का एक बूंद भी नहीं था, बट अभी बारिश आ चुकी है फाइनली, जो स्वेटिंग हो रही थी
बहुत अच्छा फील हो रहा है, अभी बारिश आ रही है, पानी आ रहा है यार, हाँ स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। लगभग 2 घंटे लगातार चलने के बाद हम लोग आ गए फाइनली कातलधारा। तो एक छोटी सी गुफा है यार, तो वहाँ हम लोग रुके हैं और बाकी सब पब्लिक एंजॉय कर रही है, पब्लिक। तो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा यहाँ बैठेंगे और नीचे जाएंगे, और ऊपर आने के बाद जो लाया है ब्रेकफास्ट टिफिन वगैरह जो भी वो खाएंगे। उसमें से एक वाटरफॉल और एक ट्रेक जो बोल सकते हैं वो कंप्लीट हो गई है। यू कैन सी कातलधारा वाटरफॉल एंड मेरी जो पब्लिक है नीचे गई है, तो मैं भी अभी उधर जाऊंगा, मज़े करूंगा। और एक बात, वो जो है राजमाची फोर्ट बादलों की वजह से वो दिख नहीं रहा है, बट कोई नहीं, अभी यहाँ से नीचे जाएंगे, मज़े करेंगे, चिल करेंगे, भीगेंगे। तब तक मैं जाऊंगा ऑफलाइन और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। वॉटरफॉल से हम लोग ऊपर आ गए और हम लोगों ने जो कैरी किया था ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते, जो फास्ट फूड कैरी किया था, ब्रेड और बिस्किट वगैरह, तो वो हम लोग खा रहे हैं। आधी पब्लिक हमारे नीचे ही है, तो वो जब ऊपर आएंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ कैरी किया है, तो खाएंगे और फिर निकलेंगे। तो अभी देखते हैं, तो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो ब्रेड और चाव। तो जो छोटा सा लंच का ब्रेकफास्ट था जो बोल सकते हो गया है, और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। तो हमारी आधी पब्लिक आगे जा चुकी है और फाइनल व्यू। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि ऊपर से जो है रैपलिंग होती है, 140 150 मीटर की रैपलिंग होती है। अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ नहीं है, तो स्टार्ट होने के बाद करीब करीब 1800 2500 3000 ये उनके रेट्स होते हैं, तो रैपलिंग यहाँ होती है। अभी यहाँ से जाने के लिए लगभग लगेंगे 2.5-3 घंटे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो और बढ़ गया। हम आए थे पहले तो 16-15% और 10 जन ऐड हो गए, तो 25 जन हो गए, तो ये पूरा सा लाइन लग गया, आप देख सकते हो यहाँ। सो फाइनली हम लोग हमारे पार्किंग एरिया में आ गए। तो कितने बजे भाई लोग, कितने बजे हैं अभी? 4:30। तो 4:30 बजे हम लोग 8-8:15 बजे निकले थे। तो मजा आया कि नहीं? पब्लिक आवाज नहीं आ रहा, मजा आया कि नहीं? मजा आया पब्लिक, गाड़ी चालू है हमारे लिए। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो
डू लाइक शेयर कमेंट और नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो। यहाँ से निकलेंगे जाएंगे घर, कहीं तो रुकेंगे खाएंगे, तो वो शूट करना वर्थ नहीं, अभी थक गए यार, तो बाय बाय।